दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पोर्ट्रेट में एक डिज़ाइन किया था जो नवरात्रि से रिलेटेड था। नवरात्रि आने वाली है, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम क्या करेंगे, लैंडस्केप में एक इमेज लेंगे। तो मुझे क्या करना है, सेम इसी साइज़ में अगर हम बनाना चाहते हैं तो सेम इसी साइज़ में बनाने के लिए इस इमेज पर आएँ, कंट्रोल ए करें और कंट्रोल सी कर लें और कंट्रोल एन कर लें, यानी न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन करेंगे। तो ये जो साइज था यहाँ पे कॉपी हो चुका है, आप इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ नवरात्रि, उसके बाद में ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे एक इसी साइज में एक ब्लैंक पेज यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा, तो इसमें जो बैकग्राउंड लगा हुआ है वो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है भक्ति बैकग्राउंड, ठीक है। भक्ति बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो बहुत सारे बैकग्राउंड आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इमेज में जाना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला। हालांकि जो पिछला बैकग्राउंड मैंने लिया था वो दूसरा है, लेकिन इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा, सेव इमेजेज, और उसके बाद डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। सेव हो गया, उसके बाद में फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से जो बैकग्राउंड हमने सेव किया है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड। उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे इसको फिल कर देंगे, इस तरह से फिल कर दिया। फिल्टर में जाएंगे और थोड़ा सा इसको ब्लर करने की कोशिश करेंगे, गॉसियन ब्लर पर क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह बैकग्राउंड हमारा रेडी हो जाता है। कंट्रोल यम करेंगे, थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये थोड़ा डार्क हो जाता है। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो बैकग्राउंड रेडी है। उसके बाद में आपको ये जो सिलेक्शन चल रहा है, कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए। अब आपको लिखना है, इसमें हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तो इस तरह से आपको इसको सेट कर लेना है। अगर आपको हिंदी लिखनी नहीं आती है तो आप वीडियो देख करके हिंदी लिखना सीख सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, और अभी वाइट कलर का स्ट्रोक है, आप देख सकते हैं। ब्लैक अगर हम करें तो वहाँ पे शो होगा, देखिए ब्लैक, लेकिन मुझे परफेक्ट तरीके से शो करना है टेक्स्ट को, तो मैं वाइट कलर यहाँ पे कर दिया हूँ। उसके बाद में आप सभी को बारी बारी से मैं इसमें ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए टेक्स्ट के अंदर जितने भी इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट लगाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे, तो यहाँ सारे इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ड्रॉप शैडो लगानी है, अब देखिए नवरात्रि में शैडो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नवरात्रि लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप शैडो यूज हुआ है और ग्रेडियंट यूज हुआ है और स्ट्रोक भी यूज हुआ है। तो इसको आप यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो का मतलब है हल्का सा ये इसके अंदर शैडो नज़र आएगी, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया डिस्टेंस, तो यहाँ पे शैडो हट गई इस तरह से, ठीक है। और इसका साइज़ भी आप इस तरह घटा बढ़ा सकते हैं, जहाँ अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे आप यहाँ से सेट करके देख लीजिए। एक दो दिन ट्राई कीजिए तो ये सारे फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप शैडो का यूज़ यहाँ किया जाता है। स्ट्रोक तो मैंने बता ही दिया है, स्ट्रोक यहाँ से आप बदल सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से स्ट्रोक चेंज कर देंगे, ठीक है। और बात रहेगी इसमें ग्रेडियंट की, तो देखिए नवरात्रि वाले में तीन नहीं दो कलर का यहाँ पर दो तरह के कलर यूज हुए हैं, तो ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो सिंपल सा यहाँ पर इसका विंडो खुल जाती है। उसके बाद में आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं अगर यहाँ रेड है, अगर मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज करता हूँ तो देख सकते हैं ब्लैक हो गया। अगर ये वाला कलर हम यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपको फ्यूचर में चाहिए कि आप ये वाला बैकग्राउंड या ये वाला ग्रेडियंट आप इसमें रहने दें, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी। कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हैं, ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सा यही वाला क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने ये करके बताया कि इस तरह से तीन चार कलर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए आसानी होगा, ठीक है।
तो इसको मैं सारा कैंसिल करता हूँ। इस तरह ग्रेडियंट आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद में ये इमेज जो है दुर्गा जी की, ये इमेज पीएनजी है, ये इसको भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो शेडो लगा है, ड्रॉप शेडो यहीं से यूज किया गया है, देख सकते हैं ड्रॉप शेडो यूज किया गया है इसके अंदर। ठीक, अब ये शिफ्ट की सहायता से इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए। उसके बाद में कुछ अगर लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, तो आप गूगल से, या आप अगर आपको आता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, गूगल से आप इसके सुविचार वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है पीएनजी इमेज। अगर आपके पास पीएनजी इमेज नहीं है तो आप पीएनजी उसको बनाइए, तभी आपका पोस्टर परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पीएनजी लगा दिया है, इस तरह से आप इसको सेट कर लें। अब इसमें रह जाता है नाम और फ़ोन नंबर वगैरह, या आप किसी पद पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मेरा मनीष सिंह, यहाँ पे नाम इनका लिख देता हूँ, और इनका मोबाइल नंबर है ये वाला, ठीक है, इसमें ड्रैग कर दिया। उसके बाद में इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे और इसको यहाँ पे सेट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पोस्टर आपका तैयार हो जाता है शुभकामनाएं का, और इसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें और नवरात्रि वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, हैप्पी नवरात्रि यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये फ्लावर्स है, जो पीएनजी फाइल है, इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्ट की सहायता से इसका डुप्लीकेट कर लेंगे सामने से, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे डिजाइन आपका तैयार हो जाता है। आप इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।